वेलकम बैक टू रूमीज व्लॉग्स और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारी होम टूर सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसमें हम लॉबी टूर दे चुके हैं, अपने मास्टर बेडरूम का टूर दे दिया है, तो आज हम दिखाएंगे आपको अपने बच्चों का रूम। तो चलिए आइए दिखाते हैं। तो ये आ गए हैं हम अपने छोटे बेटे के रूम में। बेटा बहुत छोटा नहीं है, 12th में है, लेकिन माँ बाप के लिए तो बच्चे छोटे ही रहते हैं, तो इसलिए छोटा बेटा ही है वो। तो रूम में उसके आते ही राइट हैंड पे हमने मिरर लगाया है। और यहाँ हमने टीवी यूनिट दे रखी है, लेकिन टीवी है नहीं उसके रूम में क्योंकि नीड ही नहीं है टीवी की, लेकिन फिर भी दे दिया है कि कभी लगे जरूरत है तो हम उसको लगा सकें। फिर लेफ्ट में आ जाता है हमारा कबर्ड। उससे पहले ही हमने चेयर रख रखी है। ये चेयर इसलिए ली थी कि ये कॉर्नर खाली था, यहाँ भी रहेगी, और जो हमारे किचन में हमारा काउंटर बना हुआ है ब्रेकफास्ट का काउंटर, तो वहाँ पे अगर कभी किसी को बैठना है तो उसके भी काम आ जाएगी, लेकिन कभी कोई वहाँ ब्रेकफास्ट करता नहीं है तो ये यहीं रहती है। मेरे बेटे को ग्रे बहुत पसंद है, तो पूरे रूम की उसकी जो ग्रे टोनी है, तो यहाँ हमने ली है कबर्ड ग्रे और वाइट में। कबर्ड हमने रखी है कि हमारा यहाँ रास्ता, यहाँ जगह कम थी तो आगे खुलने वाली नहीं रखी है हमने, इसको स्लाइड वाली रखी है, तो इससे हमारा ये स्पेस जो है ये काफी हमारा पास बच गया है। कबर्ड से ही ये पास में आ जाता है बेड, ये भी ग्रे टोन में ही है और ये बेड भी यहीं बना हुआ है। मेरे बेटे को ग्रे बहुत पसंद है, तो उसने सारा ग्रे ही रखा है अपना रूम, और बेडशीट भी ग्रे के अलावा वो कोई बिछाने नहीं देता है क्योंकि रूम में उसके कोई अच्छी ही नहीं लगती ग्रे के अलावा, तो बेडशीट भी उसकी सारी ग्रे ही है। फिर यहाँ साइड में हमने दे रखा है इसका स्टडी टेबल, इसमें नीचे ड्रॉर है और ऊपर यहाँ पे उसकी बुक्स रखी हैं, और यहाँ पे उनका कुरान रखा हुआ है कलाम पाक। और इसके बाद ये जो है ये भी वुडन वर्क हुआ हुआ है, लेकिन इसको कुछ टाइम बाद मुझे निकलवाना है, इसीलिए मैंने पेंट भी नहीं करवाया है। मैं तो सोच रही थी अभी करा लूँ, लेकिन बकरीद करीब आ गई है और वो काम लंबा चलता तो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, जबकि इस पे बहुत मेहनत लगी है, डीको हुआ हुआ है, लेकिन मेरे बेटे को भी ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो इसको निकलवा कर और चेंज कराना है, ये और ये निकलवानी है, क्योंकि जब हमारा टेरेस तैयार हुआ तो उसमें पता नहीं कैसे करके लीकेज आ गया, और जब वो लीकेज आया तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से है, तो ये रूम से पानी आना शुरू हो गया था कॉर्नर से, तो ये जब पानी आया तो ये पूरा कॉर्नर ख़राब हो गया, और इसकी जो प्लाई वगैरह है वो भी फूल गई है, तो इससे वो ख़राब ना हो जाए और, तो हमें इसको बिल्कुल निकलवा के यहाँ दूसरा बनवाना है, उसके बाद मैं पेंट करवाऊँगी इसका। यहाँ पे हमने एक लाइट दे रखी है, बड़ी प्यारी सी मुझे लगी थी, तो ये सिंगल ही है तो ये सिंगल लाइट लगा रखी है हमने, और पेंट भी लाइट ग्रे ही कराया था हमने। अब जब हमने उसका एसी लगवाया तो एसी में प्रॉब्लम आई कि एसी से पानी आ रहा था, ये सब खराब कर दी वॉल उसने। उसके बाद इसको दिखवाया तो पानी आना बंद हुआ, लेकिन वॉल तो खराब हमारी हो ही गई, तो पहले ये वुडन का काम कराएंगे कारपेंटर से, उसके बाद फिर मैं इसके रूम को दोबारा से पेंट कराऊंगी। तो अब आपको दिखाते हैं इस रूम की सीलिंग। सीलिंग भी बहुत सिंपल एंड सोबर है, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत सिंपल चीज़ें पसंद हैं, तो सिंपल ही रखी है। और उसके बाद जब मैं ये फ़ैन लेने गई इनके रूम के लिए, तब ये फ़ैन बिल्कुल नया आया था, एक ही लगा हुआ था, एक ही पीस था क्रॉम्पटन का उनके पास, तो ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें बीच में ना लाइट दे रखी है, तो अगर सारे रूम की लाइट्स भी ऑफ हों और हम सिर्फ इसकी ही लाइट ऑन कर लें तो काफ़ी रोशनी रहती है कमरे में, तो ये फ़ैन मुझे बहुत प्यारा सा लगा था, तो ये मैंने, जबकि बेटा कह रहा था नहीं ये मम्मी अपने रूम में लगवाइए, लेकिन जब ये कॉलेज गए हुए थे तो मैंने इनके ही रूम में लगवा दिया ये। उसके बाद इसका आ जाता है फ्लोर। फ्लोर के टाइल्स भी ये खुद ही पसंद किए थे इन्होंने, बहुत लाइट से हैं, तो ये पसंद भी नहीं किए, फ्लोर के टाइल्स इन्होंने ही पसंद किए थे। अब इस रूम में मुझे सबसे अच्छी दोनों बेटों के रूम में बात ये लगती है कि मुझे पसंद नहीं है कि वॉशरूम जो हो वो कमरे के अंदर ही हो, कमरे के अंदर मुझे पसंद नहीं है कि वॉशरूम रूम के अंदर हो हमारे,
और इसकी एक प्लस पॉइंट यही है कि हमारे वो इसके वॉशरूम रूम के अंदर भी नहीं है और रूम से दूर भी नहीं है, रूम के बाहर भी है और बिल्कुल पास भी है। तो ये दूसरा गेट आता है हमारा बैक साइड का, यहाँ से जब हम बाहर निकलेंगे तो रूम से जैसे ही हम बाहर आएंगे बैक साइड में इसकी, तो ये आ जाता है हमारा वॉशरूम कि बिल्कुल रूम से पास में भी है और रूम के अंदर भी नहीं है। ये कॉर्नर हमारा खाली था तो यहाँ हमने वॉशिंग मशीन रख रखी है अपनी, ये मेरी फुल्ली ऑटोमेटिक है और जो सेमी है वो मेरी टेरिस पर रखी है। इसका रिव्यू भी मैं आपको दूंगी, बहुत ही बढ़िया वॉशिंग मशीन है ये, इसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो ये आ जाता है वॉशरूम, तो जैसे ही वॉशरूम में अंदर हम आते हैं, यहाँ स्पेस की थोड़ी कमी थी लेकिन हमने इसको स्पेस के हिसाब से बहुत अच्छा मेंटेन किया है अपने हिसाब से, कि यहाँ कॉर्नर में तो हमने लिया है अपनी वैनिटी, वैनिटी के ऊपर हमने ले लिया है मिरर, और जितनी भी यहाँ मैंने टैप्स और वाश बेसिन कमोड वगैरह ये सब मैंने जैक वार कर लिया है। और इसके वैनिटी के पास ही हमारा आ जाता है कमोड, फिर ये आ जाता है हमारा शावर एरिया। अब शावर एरिया और इसको हमने इसमें पार्टीशन दिया है, हमने ग्लास रखा है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक जगह दोनों चीजें हो, तो इसमें हमने ये ग्लास लगा दिया है और यहाँ लगा हुआ है शावर। शावर के ऊपर ही हमने ले लिया है अपना गीजर, ये भी एक इत्तेफाक था कि ये गीजर भी तभी नया नया आया था और ये ग्रे टोन में था तो मेरे बेटे को अच्छा लगा, जबकि मुझे पसंद नहीं आ रहा था तो ये मैंने ले लिया है। तो ये इसके ऊपर ही साइड में यही जगह थी इसके लिए तो यहाँ ले लिया है। और इसका जो फ्लोर है बहुत ही लाइट है, बस ये चीज मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत लाइट होने की वजह से इसकी क्लीनिंग में परेशानी आती है। और ये जो मैट पड़ा हुआ है ये ऑनलाइन लिया था, बहुत ही अच्छा मैट है कि पैर स्लिप नहीं होता है इस पे। और ये यहाँ जितने भी टैप्स लग रहे हैं ये भी सब जैकवार के हैं। तो ये है मेरे छोटे बेटे का वॉशरूम, इसमें बस थोड़ी सी दिक्कत मुझे ये आती है कि इसका जो एग्जॉस्ट फैन है इसको मैं फ्रंट से तो साफ कर लेती हूँ, लेकिन मेरा ये थर्ड फ्लोर है तो पीछे की साइड से ये साफ नहीं हो पाता है तो वो थोड़ा गंदा सा रहता है। फिर इधर हमने ले लिया है अपना वॉल फैन, ये मेरा गीजर भी हैवल्स का है और ये वॉल फैन भी हैवल्स का ही लगा हुआ है और ये भी रिमोट वाला है। तो वॉशरूम से जैसे ही हम बाहर आते हैं तो वॉशिंग मशीन का एरिया तो मैंने अभी आपको बताया है, फिर ये है हमारी विंडो, ये पूरी इतनी बड़ी विंडो है, ये हमारे घर के बैक साइड में खुलती है तो धूप बहुत ज्यादा यहाँ रहती है तो मैं ये ब्लाइंड्स को लगाई रहती हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। और इस एरिया की जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है वो लगता है मुझे अपना ये वॉश बेसिन, ये मेरे हस्बैंड की पसंद है और ये मेरे हस्बैंड ने लगवाया है वजू करने के लिए, तो ये बहुत ही शानदार मुझे चीज लगती है कि यहाँ पे हम अपना ये वाला स्टूल रखते हैं और फिर यहाँ बैठ के हम अपना वजू करते हैं, तो जो भी आता है उसको ये बहुत ही प्यारा सा लगता है ये वजू वाला सिस्टम, कि अंदर वॉशरूम में वजू ना करके हम यहाँ पे वजू करते हैं। इस यहाँ पे हम अपना टॉवल लगा लेते हैं और ये भी जैक वार का लगाया है। अब इसी के साइड में ये आ जाता है हमारा दूसरा वॉशरूम जो कि मेरे दूसरे रूम का है, वो मेरे छोटे बेटे के रूम के साथ है अटैच है, ये दूसरे रूम के साथ है। तो चलते हैं अपने दूसरे वॉशरूम में, सेम है वॉशरूम बस राइट और लेफ्ट का फर्क है, ये राइट में है वो लेफ्ट में है। तो यहाँ पर भी हमें आते ही हमने कॉर्नर में यहाँ भी वैनिटी दी है और फिर इसके ऊपर हमने मिरर दिया है और मिरर की लाइट्स तो मुझे बहुत ही पसंद आती हैं, और ये वाइट हो गई, वो ऑफ वाइट वॉर्म, तीन कलर इसमें आते हैं, बहुत ही प्यारी लगती है ये। इसी के ऊपर हमने अपना गीजर दे रखा है बेटे के रूम, उसमें उधर है गीजर, यहाँ पे इसकी जगह ये आ रही थी तो हमने इसको यहाँ दिया है, ये भी हैवल्स का ही है तो गीजर हमने यहाँ दिया है। इसके बराबर में आ जाता है हमारा एग्जॉस्ट फैन, यहाँ आ जाता है हमारा कमोड, ऐसे ही हमने यहाँ रखा है कि कमोड को और शावर एरिया को हमने सेपरेट कर दिया है इस मिरर से ग्लास लगाकर यहाँ पर। और यहाँ आ जाता है हमारा ऊपर ऐसे ही फैन, हमने जैसे उधर है यहाँ भी दे रखा है ये हैवल्स का फैन, ये हमारा आ जाता है टॉवल हैंगर। और ये जो आप देख रहे हैं टाइल्स, ये जब मैं गई थी शॉप में टाइल्स पसंद करने मुझे बहुत प्यारे से लगे थे, तो क्योंकि हमने जिधर जिधर जिस साइड में टैप है सारे उधर ये डार्क
शेड लिया है, बाकी में हमने लाइट रखा है। फिर आ जाते हैं हम अपने शावर एरिया में। शावर एरिया भी सेम है, बस थोड़ा टाइल्स का फर्क है। यहाँ शावर दे रखा है हमने और ये टैप्स आ जाते हैं हमारे। और फ्लोर दोनों के सेम है, बस फ्लोर में ये दिक्कत आती है कि बहुत लाइट शेड है, क्लीनिंग में परेशानी होती है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी वॉशरूम यूज करता है वो उसे बाद में क्लीन करके आता है, नहाने के बाद। ये नहीं कि सब कीचड़ कीचड़ कर दी। मेरे हस्बैंड को भी आ जाता है कि वो क्लीन करके आते हैं और बेटे को भी। वैसे तो हस्बैंड कोई काम करते नहीं है घर का, लेकिन बाथरूम जरूर क्लीन कर देते हैं। तो ये आ गए हैं हम अपने बड़े बेटे के रूम में। इस रूम में आते ही राइट लेफ्ट पे हमारा मिरर आ जाता है। और ये प्लेन वॉल है तो हमने एसी अपना इधर लिया है। जैसे छोटे बेटे के रूम में लाइट का वैसे ही इधर है। और फिर ये आ जाता है बेड। ये बेड का डिजाइन भी मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। इसको इस रूम की सारी चीजें मैंने अपने आप ही ऐसे पसंद की हैं कि उसको ध्यान में रखते हुए कि मेरा बेटा क्या पसंद करेगा। जिस बेटे का ये रूम है वो आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो हमेशा रहेगा। वो दुनिया के लिए नहीं है लेकिन मेरे लिए हमेशा रहेगा। और जब ये घर मैंने लिया तो सबसे पहला रूम मैंने अपने बेटे का ही तैयार करवाया था, क्योंकि उसको ये कॉलोनी जहाँ मैंने घर लिया है बहुत पसंद थी कि मम्मी हम कभी घर लेंगे तो इसी कॉलोनी में लेंगे। आज वो है नहीं लेकिन घर यही है। और मैंने इस रूम को सबसे पहले तैयार करवाया। बहुत इसमें बहुत सिंपल रखा है क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा कलरफुल चीज़ें पसंद नहीं थी। यहाँ मैंने सामने दी है कबर्ड। ये कबर्ड भी मैंने जगह की वजह से स्लाइड वाली ही दी है। और इस कम आज शायद 10 दिन से ये चल रहा है कि हम शूट करेंगे इस कमरे का, दोनों बेटों के कमरे का, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि ये रूम दिखाऊंगी तो मुझे इसके बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। और फिर इधर ही आ जाता है, छोटी सी हमने चेयर डाल रखी है। ये मेरे पुराने घर की है क्योंकि पुरानी यादें भी हमारे साथ जुड़ी होनी चाहिए। मैं पुरानी चीज़ों को बहुत अच्छे से रखती हूँ, जो हमें अपना पुराना वक्त याद रहे उन्हें, जो चीज़ रखने लायक है मैं रखती हूँ उसे, कि पुरानी चीज़ों को देख के हमें अपना पुराना वक्त याद आए और हम में घमंड ना आए। इसका सीलिंग भी मैंने बहुत सिंपल सी रखी है। और इसमें मैंने लगाया है ब्लैक फैन। और इसमें भी बहुत लाइट पेंट कराया है मैंने, बहुत लाइट कलर का, क्योंकि ये कलर मेरे बच्चे को बहुत पसंद थे, लाइट शेड। और यहाँ हमने टीवी यूनिट नहीं दिया है, बल्कि इस हमने सोचा कि जब भी अगर इसमें टीवी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम एलईडी यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। और इसका फ्लोर जो लिया है मैंने वुडन में, बिल्कुल कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये टाइल्स नहीं है, वुडन फ्लोर ही है, लेकिन ये टाइल्स हैं। और ज़्यादातर मेरा वक्त जो है इसी रूम में कटता है क्योंकि मैं अपनी प्रेस वगैरह भी यहीं करती हूँ, लेटती भी दोपहर में यहीं पर हूँ। तो बहुत अच्छा फील होता है मुझे इस रूम में, जबकि ये रूम मुझे सबसे पहले दिखाना चाहिए था, लेकिन मैं हिम्मत ही जुटा नहीं पा रही थी कि इस रूम को दिखा के मैं कैसे बताऊंगी इसके बारे में। मेरा बेटा, छोटा बेटा, 12th में आया है, और जब वो बेटा एक्सपायर हुआ तब वो 12th पास आउट कर चुका था। ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया था लेकिन कॉलेज ज्वाइन अभी करा नहीं था, करता वो, लेकिन अल्लाह के किसी फैसले में हम दखल नहीं दे सकते। उसी ने मुझे दिया था और उसी ने ले लिया। बस ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उसे जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। तो ये वाला रूम मेरे बहुत ही दिल के करीब है। और यहाँ मैंने अपने तीनों रूम का टूर दे दिया है और हमारा होम टूर, रूम टूर मुकम्मल होता है। अब आगे जो मैं दूंगी आपको अपने किचन का टूर और हमारा टेरिस टूर। तो मेरा यही कहना है कि कुछ लोग दूसरों को हंसता मुस्कुराता देख के ये मत सोचिए कि वो अंदर से भी मुस्कुराता हुआ है, उसका दिल भी हो सकता है वो अंदर से बहुत गमगीन हो। मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग किसी की वीडियो पे इतने खराब खराब कमेंट कर देते हैं,
अरे भाई अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो अल्लाह है उसका हिसाब लेने वाला, आप कौन होते हो? क्या पता आपका एक कमेंट, बुरे कमेंट की वजह से वो कितना दुखी हो जाए। और मैंने जो अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है सिर्फ इस डिप्रेशन से निकलने के लिए स्टार्ट किया है, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अपने आप को इतना बिजी रखने के लिए कि मैं अपनी यादों, वो यादें मुझे ना आए तो मैंने इतना बिजी कर लिया है कि मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। जो मेरा वक्त है यूट्यूब में चला जाता है, ऊपर मैंने गार्डन मेंटेन किया है उसमें चला जाता है। तो किसी का दिल दुखाने वाली कोई बात मत करिए, क्या पता वो अंदर से आपको बाहर से खुश दिख रहा है अंदर से कितना दुखी है। अब मेरा थंबनेल देख के तो आप कहेंगे ये तो बहुत खुश औरत है, बहुत सारी खुशियां हैं इसके पास, लेकिन मैं अंदर से कितना गमगीन हूँ ये मैं जानती हूँ। तो अब आपसे मिलते हैं, किचन का टूर दूंगी मैं आपको, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।